चमोली हादसा जिसमें मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तपोवन टनल से 2 और शव बरामद किए गए हैं। टनल से अब तक कुल 11 शव बरामद कर लिए गए हैं। चमोली आपदा में अब तक 58 जिंदगियां मौत में तब्दील हो चुकी हैं, अपनी जिंदगी की डोर खो चुकी हैं। आपदा में लापता लोगों की तादाद आपको बता दें कि 146 के करीब है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आज रेस्क्यू का 10वां दिन है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, वक्त बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उम्मीद का दामन भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होता जा रहा है। और वजह यह है कि 10 दिन बीत चुके हैं। उत्तराखंड त्रासदी को लेकर कोशिश लगातार जारी है कि किसी तरह से ज़िंदगी की तलाश में आगे बढ़ते रहा जाए। मलबा हटाया जा रहा है, अभी भी ये काम जारी है। लेकिन जिस तरह से शव बरामद हो रहे हैं, उम्मीद टूट रही है, गमगीन ये पूरा माहौल यहाँ पर हो रहा है, एक आस टूटती यहाँ पर नजर आ रही है। चमोली में खराब मौसम से रेस्क्यू में परेशानी बढ़ रही है और साथ ही चमोली में बारिश और बर्फबारी का ये अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिन तक मौसम खराब रहने का ये अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी आप तक पहुँचा दें कि किस तरह से मौसम की मार पड़ने की भी आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। तो यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। 3 दिन तक अगर इसी तरह से मौसम खराब रहने की आशंका जताई गई तो जाहिर सी बात है रेस्क्यू ऑपरेशन में जो दिक्कतें आ रही हैं वो बढ़ जाएंगी। इस बीच एक और खबर आप तक पहुंचा दें, इसी से जुड़ी हुई। चमोली के रैणी में SDRF ने फिर से पुल बनाया है। सैलाब में दरअसल ये पुल बह गया था जो कि कई गाँवों को आपस में जोड़ता था। ऐसे में दोबारा से ये पुल बनाया गया है। इस पुल के ढहने के बाद संपर्क आपस में कट गया था। 7 फरवरी को ग्लेशियर जिस तरह से टूटा, सैलाब भयंकर आया, अस्थाई पुल से फिर से गांव वालों का संपर्क यहां पर जुड़ गया है। चमोली के रैणी गांव से हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला की ये रिपोर्ट आप देखें। इस वक्त मैं रैणी नदी के ऊपर हूं। ये देखिए, ये वही वो क्षेत्र है जहां ऊपर से जब ग्लेशियर फटा था तो रॉकी गाड़ में बाढ़ आई और उसके बाद ये रैणी नदी पूरे वेग पर आई और इसने जो इसके रास्ते में आया वो नेस्तनाबूद कर दिया। अब यहाँ पर एक अस्थाई पुल SDRF ने बनाया है और इस वक्त हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें लिखा भी है कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति प्रवेश करें। यहाँ से हम आगे जाके आपको जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है SDRF का वो दिखाएंगे और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और यहाँ से ऊपर जाकर आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से ये पूरा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है ये काम करता है। ये थोड़ा स्लिप होने वाला स्थिति है। यहाँ पर आते वक्त दोनों ही रस्सियों को पकड़ के आना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये देखिए नदी का प्रवाह कितना ज़्यादा तेज है। नदी बहुत फ्लो में है, दिक्कतें हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है।